बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। फूड चैनल में खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू कीमे की रेसिपी के साथ। आलू कीमा बनाने के लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है, 1 किलो बीफ का कीमा लिया है, 250 ग्राम आलू जिसकी इस तरह से कटिंग कर ली है, 2 बड़े साइज़ के प्याज, 1 कप ऑयल, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकती हैं, 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून जवत्री पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, आप इसकी जगह दालचीनी, साबुत दालचीनी भी ले सकती हैं, 1 बड़े साइज़ का टमाटर जिसके छिलके उतार के इस तरह से कटिंग कर लिए, 2 टेबल स्पून हरी मिर्च, कुटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसे बनाती हूँ। आलू कीमा बनाने के लिए इस तरह से मैंने प्रेशर कुकर लिया, इसमें सारा कीमा ऐड कर दूंगी, सारा कीमा इसमें मैंने डाल दिया। अभी इसमें नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, दालचीनी का पाउडर, जवत्री पाउडर डाल के इसमें पानी डाल दूंगी। मैं इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर दूंगी। पानी इसमें मैंने डाल दिया। मैं साथ ही इसमें प्याज डाल के इसे कवर करके वेट लगा दूंगी 15 मिनट के लिए। कीमे को 15 मिनट बाद मैंने इस तरह से कढ़ाई में निकाल लिया। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी और इसकी 5 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे। ऑयल डाल के 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर लिया। मैं इस पर इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, हरी मिर्च डाल के 10 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे टमाटर गलने तक। कीमे की भुनाई करते हुए 10 मिनट हो गया। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें आलू ऐड करूंगी और इसे भी 5 मिनट कीमे के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। आलू डाल के कीमे की भुनाई करते हुए 10 मिनट हो गया। मैं इस पॉइंट पे इसमें ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च डाल के इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मैं इस पॉइंट पे इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। मैं इसे कवर करके 10 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी। कीमे को रखे हुए 5 मिनट हो गए। ये देखें कीमा हमारा तैयार हो गया। मैं इस पॉइंट पे इसमें 1 टीस्पून के करीब मिक्स गर्म मसाला ऐड करूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद डिश आउट करेंगे। तो तैयार है बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी आलू कीमा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार किया करें। अल्लाह हाफिज़।